हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि ई रिक्शा की कौन सी कॉम्पिटेंस खराब होने से हम जब देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। देखिए, जब हम नया गाड़ी खरीदते हैं तब भी हमारा जो ई रिक्शा में बहुत स्लो साउंड निकलता है, यानी कुछ भी साउंड नहीं आती है। जब भी लगभग हमारा गाड़ी का 1 साल हो जाता है, यानी 1.5 साल हो जाता है, किसी किसी गाड़ी का तो 7 महीने 5 महीने से ही हो जाता है, तो बहुत ही घटिया साउंड निकलता है। इतना साउंड गाड़ी से निकलता है कि हमको गाड़ी ले जाने से ही बहुत ही शर्म आती है कि गाड़ी को कैसे ले जाए, इतना साउंड आता है। तो देखिए, इसमें कौन सी हिस्सा में कितना साउंड आती है, कौन सी हिस्सा में कैसे साउंड आती है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कौन सी हिस्सा ख़राब हो जाने से इतना बहुत ही घटिया साउंड निकलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा एक बात कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो इधर पे नोटिफिकेशन बेल देख रहे हैं इसे भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ इस चैनल में, तो आप लोगों को मिलते रहेगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल में ई रिक्शा के वीडियो नहीं बनती, आप ध्यान से देखेगा तो कंप्यूटर मोबाइल रिलेटेड और भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को कुछ भी के वीडियो आप लोगों के इस चैनल में डालता रहूँगा, हमेशा ही इस चैनल में डालते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं हमारे पास 2 पिनियम है, इसको हम डबल गियर भी कहते हैं, पिनियम भी कहते हैं। तो गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स में कैसे लगा रहते हैं इस वीडियो में आप लोगों को बता ही देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका गाड़ी में साउंड आती है, घटिया साउंड आती है, तो सबसे पहले आप मोटर को ओपन कीजिए। ओपन करने का बाद देखिए इधर में मोटर से साउंड निकलता है कि नहीं। तो देखिए, आप मोटर से साउंड निकलते हैं तो जी इधर पे जो देख रहे हैं ये रॉड हमारा होती है सैप मोटर के, इसको आप चेंज कर दीजिए। उसको आप चेंज करने से देखिए, मोटर को ओपन किया, आप ओपन करने के बाद आपका कुछ साउंड नहीं आ रहा है मोटर से, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ये जो देखिए आप गियर बॉक्स को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद देखें देखने को मिलेगा आप लोगों को इस तरह के दो हमारे एक गियर पिनियम जो बोलते हैं हम, जिसका लैंग्वेज में जो बोलते हैं हम वही बोलते हैं, कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं दांत है, कहीं कहीं बोलते हैं कट्टे है, ये कहीं लोग बोलते हैं पिनियम है, कहीं बोलते हैं येलो जो डबल गियर है ना, इसमें एक गियर है इसमें एक गियर है, इसलिए किसी किसी तो बोलते हैं डबल गियर है। तो आप जो बोलना चाहते हैं उसी से आप बोल दीजिए कि उसका बाद इन यही ज़्यादातर हमारा ख़राब होने से साउंड निकलते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा बड़ा वाला पिनियम है ये तो हमारा आसानी से ख़राब होने वाला नहीं है, ज़्यादातर ख़राब भी नहीं होते ये पिनियम जो होती है हमारा, तो इसमें ज़्यादा साउंड नहीं, इसमें ख़राब होने से ज़्यादा साउंड भी नहीं आती, ये हमारा ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले यही हमारा छोटा वाला हिस्सा जो ख़राब होती है, तो इसमें कौन सा चीज़ ख़राब होती है आप लोगों के ध्यान से देखना है। जो ये देखिए, ये हमारा सैप होती है, सैप ही ख़राब होती है। उसका बाद दांत देखिए, दांत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग माल है, स्ट्रांग चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से देखेगा तो बहुत ही लोहे का है, पूरा लोहे का, पक्का लोहे का है। तो यही ज़्यादातर ख़राब होने से हमारे ई रिक्शा में बहुत ही घटिया साउंड निकलती है। उसका बाद देखिए, ये हमारा गाड़ी में कहाँ कहाँ लगा रहता है, जो आपको देखेगा मोटर के पास एक शाफ्ट के अंदर गियर बॉक्स, तो उसका पास उसका अंदर किस तरह से लगा रहता है, तो इस तरह से तो नहीं लगा रहता है। आप लोगों को दिखाने के रखने के लिए मैं ऐसा लगा रखा हूँ, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह का से एक, और एक देखने को मिलेगा इस तरह का से एक, तो यही दोनों काम आप इस तरह से ही लगा रहता है। तो इस कहाँ से हमारा मोटर का सैप कनेक्ट होती है, मोटर के सैप भी अंदर मुंह पे भी इस तरह से दांत है, तो कहाँ पे मोटर का सैप कनेक्ट है, इधर पे रहता है कि इधर पे रहता है, क्या हमारा छोटा वाला इसमें रहता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा हो गया गाड़ी का फिटिंग, तो इसका हमारा रहता है इधर पे जो मोटर के सैप होती है, मोटर के साथ इस तरह से हमारा कनेक्ट रहते हैं, मोटर के साथ ये जो दाँतें होती है
इसमें मोटर का शाफ्ट कमेंट रहते हैं। और जब भी मोटर को हम घुमाते हैं तब ये भी घूमता है, ये भी घूमता है। तो इस तरह से हमारा जो गाड़ी घूम जाती है, तो इस तरह से घूम जाते हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसमें जब भी ओपन कीजिएगा आप, इस तरह का से एक वॉशर मिलेगा आपको, वो वॉशर डालना ही होगा वरना आपको साउंड आएगा। वो वॉशर ख़राब हो जाने से भी इसमें साउंड बहुत ज़्यादा निकलती है। तो और एक बात देखिए आप ध्यान से, जब भी आप गाड़ी को ओपन कीजिएगा गियर बॉक्स, तो हाँ दोस्तों आपको तो बोलने से भी समझ नहीं आती है होगा। तो हम जब वीडियो बनाएंगे आप लोगों को एक दो वीडियो के बाद, तो आप लोगों को दिखाऊंगा गियर बॉक्स कैसे ओपन करना है। गियर बॉक्स ओपन करने से कौन सा हिस्सा हमको, कौन सा चीज़ ध्यान से देखना है, कौन सी गियर बॉक्स ओपन कीजिएगा तो आप लोगों को एक ऑसर दिखने को मिल जाएगा, जो हमारे मोटर के साथ इस तरह से लगा रहे थे। वो ऑसर आपको चेंज करना ही होगा, क्योंकि हमारा होते है ऑयल सील, क्योंकि हम मोटर के जो गियर बॉक्स के अंदर ऑयल डालते हैं, ऑयल डालने से हमारा होती है, जो ऑयल डालने से हमारा जो गियर बॉक्स के अंदर मोटर रहते हैं, मोटर के अंदर भी ऑयल जा सकती है। ऑयल तो नहीं गिया होगा तो लगभग जो होती है हमारा गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, ऑयल लीक भी कर सकती है। इसलिए आपको उसको वॉशर को भी ब्लेड से निकल कर दूसरा नया वॉशर डालना होगा जब भी आप गाड़ी को खोलेगा। तो हाँ दोस्तों, इन वीडियो को देखकर आपको थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और इस चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों एक बार शेयर कर दे।